तो मैं आपको नवजात शिशु न्यू बॉर्न बेबी के स्लीपिंग पैटर्न के बारे में सब कुछ बताऊंगी। आपको बिल्कुल भी वरी की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बच्चा रात को अच्छे से सोने लगेगा। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग के 1 मंथ तक वो रात भर जगते हैं, रात को रोएंगे, थोड़ी देर सोएंगे, फिर रोएंगे, चिड़चिड़ापन होता है क्योंकि वो दिन में जगते हैं। तो ये चीज मतलब उनका कुछ सोने का रूटीन नहीं होता, वो रात और दिन में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं छोटे बच्चे। इस वजह से उनका स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, जिसके कारण पेरेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो क्या होगा कि आपका ये प्रॉब्लम बच्चे की 6 से 7 वीक आते आते तक धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है। कोई कोई बच्चे 2 से 3 वीक में ही ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। आपको क्या करना होगा, दिन में आप बच्चे को जगाने की कोशिश करें, उसको सोने ना दें, थोड़ी देर सोने दें, फिर उसको घुमाएं, उसे बातें करें, जिससे कि बच्चा दिन में कम से कम सोए। अगर बच्चा दिन में कम सोएगा तो रात को वो अच्छे से नींद ले पाएगा, और जब बच्चा रात को अच्छे से नींद लेगा तो आप भी अच्छे से बच्चे के साथ रात को सो पाएंगे। और आप बच्चे के साथ साथ आपकी नींद भी बहुत जरूरी है, तो आप अपने बच्चे का धीरे धीरे करके रूटीन बनाएं। उसको सुबह 6-7 बजे उसकी एक मसाज कर दें, जिससे कि बच्चा उठ जाएगा। फिर उसको एक फीड दे दें, अगर धूप निकली हुई है तो थोड़ी देर उसको धूप में ले जाएं। फिर उसको थोड़े से टॉयज वगैरह के साथ, उसके साथ मतलब कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंग उसके साथ करें, जिससे कि बच्चा सोए ना, बच्चे बच्चे का टाइमिंग है जो थोड़ी देर वो सोए, खेले खेले सोए। तो इससे क्या होगा, वो दिन में जगने लगेगा और रात को सोने लगेगा, और आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। वो बच्चे को भी समझ में आने लगेगा कि ये दिन है, तो वो तब सोएगा जगेगा, सोएगा जगेगा, और रात को वो अच्छे से कंटिन्यूअसली एक साउंड स्लीप ले सकेगा, जिससे बच्चे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से होगी और आपके आपको जो प्रॉब्लम है कि बच्चा सोता नहीं है, ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। और ज़्यादातर बच्चे 6 से 7 वीक के बाद रात को अच्छे से सोने लगते हैं। तो ये जो स्लीपिंग पैटर्न है 0 to 3 month के बेबी का है, और 3 to 6 3 month कंप्लीट होने के बाद बच्चे अच्छे से रात को सोने लगते हैं। उनकी जो रात को अचानक से रोने की आदत, या वो रात भर नहीं सोते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पूरा दिन नहीं सो रहा है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, आप कोशिश करते रहे, बच्चा आपका सो जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, माँ के पेट से निकले हुए, तो बाहर की चीज़ों को, बाहर के इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने में उनको टाइम लग जाता है। ये प्रॉब्लम बस 3 महीने तक रहेगी, 3 महीने के बाद बच्चा बाहरी दुनिया को, इन्वायरमेंट को समझने लगेगा, रात दिन में डिफरेंस वो समझ जाएगा, और वो बहुत अच्छे से सो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो मेरे सभी न्यू जो भी पेरेंट्स बने, उनसे उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी वरी ना हो, अपनी टेंशन छोड़ दे, बच्चे धीरे धीरे सोने लगेंगे, उनका स्लीपिंग पैटर्न बहुत सही हो जाएगा। मेरे साथ भी पहले प्रॉब्लम थी, जब मेरा बेबी छोटा था 3 मंथ तक, तो बिल्कुल नहीं सोता था, मैं एकदम इरिटेट फ्रस्ट्रेट, मतलब ऐसा लगता था जैसे मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। पर धीरे धीरे 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद वो अच्छे से सोने लगा है, अब वो एकदम साउंड स्लीप लेता है, और बस जब मैं अलार्म लगा लेती हूँ कब उसको फीड कराना है, तो उसको अच्छे से फीड वीड करा के फिर मैं भी सो जाती हूँ। तो आप बिल्कुल वरी ना करें, 3 मंथ के बाद आपका बेबी अच्छे से सोने लगेगा। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल मॉम लाइफ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय मॉमीज़।